दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के प्रोफेशनल पहलवान दिलीप सिंह राणा की, जिन्हें हम आम तौर पर द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, खली एक ऐसा नाम है जिसने देश विदेश के बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ाए हैं और रेसलिंग के खेल में भारत का नाम रोशन किया है। द ग्रेट खली ने जॉन सीना और ट्रिपल एच जैसे खूंखार फाइटर्स को हराकर 2007-08 के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में जीत हासिल की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने महान रेसलर ने अपना जीवन बहुत ही कठिनाइयों से शुरू किया। उनके पिता एक किसान थे और घर के हालात कुछ इस तरह खराब थे कि बचपन में उन्हें पढ़ाई छोड़कर अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन खली ने हार ना मानते हुए अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर ला दिया कि वे आज अपने साथ साथ अपने गांव के विकास के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम द ग्रेट खली के इस प्रेरणादायक सफर को शुरू से जानते हैं। दिलीप सिंह राणा का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धीरैना नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम ज्वाला राम था, जो खेतों में काम करके अपना घर चलाते थे। लेकिन खली को लेकर उनके कुल 7 भाई बहन थे और फैमिली बड़ी होने की वजह से सिर्फ एक आदमी को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए उनकी माँ तंदी देवी भी मजदूरी करती थी। खली भी अपने परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए ज्यादा दिनों तक पढ़ाई नहीं कर सके और फिर गांव में ही मजदूरी करने लगे। गांव के लोग भी उनके हाइट और बॉडी का फायदा उठाते थे और सभी भारी भरकम काम उन्हीं से करवाते थे। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि खली का ऐसा शरीर एग्रोमेगली नाम की बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से है और इस बीमारी की वजह से उनका चेहरा भी थोड़ा अजीब दिखता है। गांव में तो सभी लोग खली के बॉडी और फेस से वाकिफ थे, लेकिन जब कभी वे गांव से बाहर जाते थे तब लोग उन्हें देखकर इकट्ठे हो जाते और फिर उनका मजाक बनाते थे। इन बातों का खली को बहुत दुख होता था। कुछ दिनों तक गांव में मजदूरी करने के बाद जब उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी तो वे अपने गाँव से शिमला चले गए और फिर वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। लेकिन ये भी उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि काम करने के बाद उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उससे उनकी डाइट भी पूरी नहीं हो पाती थी और पैसे घर भेजने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन तभी शिमला घूमने आए एक पंजाब पुलिस ऑफिसर की नजर खली पर पड़ी और वे उनके शरीर को देखकर मानो दंग रह गए। फिर उन्होंने खली की आर्थिक सहायता करते हुए उन्हें पंजाब आकर पुलिस में शामिल होने को कहा। आखिरकार 1993 में खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई और तब जाकर खली की जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। लेकिन खली अभी रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी बॉडी को देखते हुए उन्हें जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उस समय रेसलिंग के खेल को लोग बहुत तेजी से पसंद कर रहे थे और भारत की तरफ से खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं था। आखिरकार पूरी तैयारी के साथ अक्टूबर 2000 में खली अमेरिका पहुंचे और पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, जैसे ही पहले दिन खली ने रिंग में कदम रखा, उन्हें देखकर बड़े बड़े रेसलर्स भी कांप उठे। यहां तक कि 28 मई 2001 को खली की मार की वजह से ब्रायन ओग नाम की एक रेसलर की मौत तक हो गई। 2 जनवरी 2006 को खली WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले पहले भारतीय रेसलर बने। इसके बाद उन्होंने अंडरटेकर जैसे ताकतवर रेसलर को भी 10 मिनट में हराकर सबका ध्यान आकर्षित किया और फिर आगे चलकर बिग शो, मार्क हेनरी और बतिस्ता जैसे पहलवानों को मात देकर WWE का खिताब जीता। इसके बाद भी कई सालों तक खली का दबदबा कायम रहा और उन्हें बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार मिला। दोस्तों, WWE में सफर शुरू करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पैसा तो जमकर मिलता है, मगर उसके लिए खूब पसीना भी बहाना पड़ता है। लेकिन खली ने अपने संघर्षों से दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं।